हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रेंट एग्रीमेंट और इससे संबंधित एक दिलचस्प जानकारी देने जा रहा हूँ कि भारत में लोग जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का ही क्यों करवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये कानूनी रूप से वैध है यानी कि वैलिड है, या फिर इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सब अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो फायदे जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये रेंट एग्रीमेंट जो है, इस रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। कि दोस्तों, ये रेंट एग्रीमेंट की जहां तक हम बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है या लीज एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रॉपर्टी ऑनर और किराएदार के बीच लिखित समझौता होता है। इसमें प्रॉपर्टी से जुड़े सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। इसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस, अगर बात करें तो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखा होता है, टाइप लिखा होता है, साइज लिखा होता है, फिर मंथली रेंट कितना होगा ये भी लिखा रहता है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है ये भी लिखा रहता है, अब प्रॉपर्टी को किस पर्पज़ से रेंट पर दी जा रही है ये भी लिखा रहता है इसमें। इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात की जा सकती है, लेकिन जो भी बदलाव होना है वो दोनों पार्टी के साइन करने से पहले होते हैं। एक बार साइन होने के बाद फिर कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यही जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है उसे ही हम रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब ये जानते हैं कि जो प्रश्न मैंने किया था उसी का आंसर अब मैं आपको देने जा रहा हूँ कि 11 महीने का ही क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट। तो ये आप जान लीजिए कि अधिकतर रेंट एग्रीमेंट जो होता है 11 महीने की अवधि के साइन करवाए जाते हैं। दरअसल ऐसा क्यों होता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है, 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके सेक्शन 17 के हिसाब के मुताबिक लीज एग्रीमेंट यदि 12 महीने या इससे ज़्यादा अवधि का होता है तो इसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। किसी भी एग्रीमेंट का रजिस्टर करवाने पर आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी चुकानी होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लोग 11 महीने से कम पीरियड का या 11 महीने की अवधि का रेंट एग्रीमेंट क्यों करवाते हैं, क्योंकि अगर आप 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट करेंगे तो फिर आपको स्टाम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा और इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए एग्रीमेंट 12 महीने के बजाय 11 महीने का बनवाया जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि लोग रजिस्ट्रेशन से क्यों बचते हैं, क्यों नहीं रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इस पर आखिर खर्चा कितना आता है जो लोग 12 महीने के बजाय 11 महीने के ही रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं ताकि उनको स्टाम्प ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन फी ना पे करना पड़े। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में जैसे जो रेंट एग्रीमेंट अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ के क्या नियम है और स्टेट टू स्टेट ये वैरी करता है। तो दिल्ली में 5 साल की बात करता हूँ, अगर 5 साल के लिए आप करवाते हैं तो स्टाम्प पेपर की कीमत 1 साल के किराए के 2% के बराबर है, यानी कि अगर करवाते हैं तो आपके 1 साल के जो किराया होता है तो उसके 2% के बराबर है। अगर 5 साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट होता है तो 3% के बराबर होता है, और 10 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम के लिए यह सालाना 6% के बराबर होता है। अब एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी कॉन्टेक्ट है तो 100 रुपया सिक्योरिटी के जुड़ते हैं और 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी होता है। तो दोस्तों, आप जान गए कि जितना ड्यूरेशन का होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट के जुड़ते हैं और साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन फी भी पे करना पड़ता है। अब ये देखिए कि इससे कितना फ़ायदा, कितना नफ़ा, कितना नुकसान होता है।
अगर कोई मकान मालिक मान लीजिए 2 साल के लिए किराए पर अपने मकान को देता है, जिसमें पहले साल का किराया 20,000 महीना है और दूसरे साल का किराया कितना होगा, 22,000 महीना होगा, तो कैसे, चूँकि 10% एग्रीमेंट में ये होता है कि किराया जो है 10% की दर से बढ़ेगा, तो अगर हम 2 साल का औसत रेंट ले लें तो ये हो गया 21,000। अब 21,000 के हिसाब से देखिए कि इस पर जो टोटल, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ड्यूरेशन से, तो इस पर जो 2% होगा ये 5,040 रुपये होगा। अब अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो इसमें 100 रुपये और जुड़ जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन फी पहले भी बता दिया है कि 1,100 रुपये जुड़ेंगे, जो कुल मिलाकर 6,240 रुपये का हो जाएगा। इसके अलावा वकील और दूसरी कागजी कार्रवाई करने वालों का खर्चा अलग से होता है और इसमें जुड़ता है। इस हिसाब से एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने में 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि कितना खर्चा आता है, और अगर कोई 12 महीने या उससे ज़्यादा के लिए एग्रीमेंट करता है तो उसको एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार कितना खर्चा करना पड़ सकता है, तो 8 से 10 हज़ार रुपये। अब आप जानिए कि अगर 11 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कितना खर्चा आता है, जो कि बहुत ही मामूली होता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, 100 रुपये या 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये एग्रीमेंट बनाया जाता है 11 महीने के लिए, और इससे क्या होगा, तो आपका जो स्टाम्प ड्यूटी है या फिर रजिस्ट्रेशन फी है या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट फी है, ये सारा के सारा पैसा बच जाता है। और यही कारण है कि मकान मालिक और रेंटर दोनों ही 11 महीने से कम का करवाते हैं, क्योंकि इसमें जो खर्चा आता है वो दोनों को शेयर करना पड़ता है, और जनरली दोनों ही शेयर करते हैं, इसका खर्चा उठाते हैं, इसलिए दोनों अपनी समझ से और अपनी बातचीत से इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं। तो दोस्तों अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों करवाया जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।